सो आरजीबी अगर तुम्हारे जीवन का असली लक्ष्य एंड तमन्ना है तो ये आरजीबी माउस आपके सपनों को पूरा करने में कुछ ईटा जोड़ेगा। दिस इज स्लाइडर 03 बाय गैलेक्स। ये बहुत सारे आपके एंड कंपनी के इच्छाओं एंड सपनों के साथ आता है। सो उन इच्छाओं के कलेक्शन को पहले करते हैं अनबॉक्स एंड देखते हैं डब्बे में क्या क्या है। पहले तो डब्बा के आगे तरफ एक्चुअल साइज का माउस का फोटो एंड उसका नाम का दर्शन होगा आपको। पीछे की तरफ बहुत सारे फंक्शनैलिटीज के बारे में बताया गया है जो हम वैसे भी आगे देखने वाले हैं। सो इसको ओपन करने पे इसमें होगा पहले वायर्स का दर्शन, इसको खींचने पे माउस सरकता हुआ बाहर आएगा मुस्कुराते हुए आपके लिए। बाकी तो एज यूजुअल छोटा सा मैनुअल दिया गया है जिसमें कुछ प्रमुख चीजें छापी गई हैं। मानो मत मानो, जला डालो, तुम्हारी मर्जी। पैसे तो वैसे भी कंपनी वालों ने ले लिया है तुमसे। सो सबसे पहले इसको बाहर आने की खुशी में मैं आपको इसके रंगों की दुनिया में ले जाना चाहता हूँ, विच रियली लुक्स नाइस। माउस का तो वैसे भी हम आगे देखने ही वाले हैं, बट आरजीबी इफेक्ट्स इसका जबरदस्त लग रहा है, काफी चमकदार भी है। ऑल्सो साइड लुक्स बहुत बढ़िया तरीके से डिजाइन किया गया है। आगे व्हील्स में भी आरजीबी दिखेगा एंड इनके गैलेक्स लोगो में भी रंगीला चमकदार इफेक्ट दिया गया है। इनके ब्रांड की तरह ये भी चमकता रहता है। बाकी बिल्ड वाइज हल्का सा है, पूरा प्लास्टिक का ही बना हुआ है, बट सॉलिड है, मेटल का तो नहीं है होगा, क्योंकि जब तक तुम इसको सरकाओगे तब तक दुनिया 5 मिनट आगे जा चुका होगा तुमसे। ऊपर इसका रबर मटेरियल टाइप का पूरा छिड़काव किया गया है ताकि ग्रिप बना रहे। डिजाइन इज ऑल्सो लाइक कि आपके हाथ में सेट हो जाए, एर्गोनॉमिक डिजाइन है। वैसे साइज कंपैरिजन के लिए आप मेरे लॉजिटेक 102 के साथ भी इसको कंपेयर कर सकते हैं ताकि आपको आइडिया मिल जाए साइज का। एंड ग्रिप बहुत अच्छा बैठता है फॉर ऑल हैंड साइज। बाकी आप क्लॉ ग्रिप वाले ग्रुप से हो, पाम ग्रिप वाले ग्रुप से हो या फिर स्पाइडरमैन ग्रिप वाले ग्रुप से हो, ये सारे के लिए डिजाइन किया गया है एंड सारे काफी अच्छे से सेट होते हैं इसमें। नेक्स्ट, वायर इसका फुल्ली ब्रेडेड केबल के साथ आता है, काफी मजबूत है। इसको आप कपड़े सुखाने से लेकर के टप्पू सेना को बांधने तक कर सकते हैं। टोटल लेंथ अप्रॉक्स 1.25 मीटर है इसका, दैट इज मोर देन इनफ आई गेस। बाकी इसमें 6 बटन दिए गए हैं। आगे के लेफ्ट एंड राइट क्लिक को तो दुनिया उसकी उत्पत्ति से ही जानती है। नेक्स्ट, स्क्रोलिंग व्हील, ये कुछ शौकीन एंड सुस्त लोगों ने इजाद किया था जिसका। साइड में 2 बटन दिए गए हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। बाकी तो आप इसको कॉन्फिगर कर सकते हैं आपकी मान्यताओं के अनुसार। बाकी इसमें ऊपर व्हील्स के पास 2 बटन मिलेंगे जिसमें पहला तो एज यूजुअल डीपीआई सेटिंग्स के लिए है, लेकिन दूसरा वाला आरजीबी के लिए है। इसको क्लिक करो एंड जिंदगी से दुख को दूर करो, बस क्लिक करते रहो जब तक तुम्हारे मुंह से ना निकले Oh my lord, oh wow। बहुत सारे इफेक्ट्स दिए गए हैं इसमें, चूज वाइजली एंड एज पर योर सेटअप आप इसको सेट कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये, क्योंकि इसका डिजाइन डिसेंट लुकिंग है। चीप सस्ते सतरंगी मेले में आने वाले भविष्य बताने वाले रोबोट के जैसा नहीं दिखता है ये। एक और बात, इसमें आपको मिलेगा गैलेक्स का इन हाउस सेंसर फॉर माउस पिलपिली। गैलेक्स अपना खुद का सेंसर भी बनाता है, मुझे सच में पता नहीं था, आज ही ये बात मुझे पता चला। ऑल्सो इसकी मदद से आपको ये माउस अप्रॉक्स 7200 डीपीआई का नमूना दिखा पाएगा। वैसे इसके बिना भी दिखा पाएगा, बट एप्लीकेशन से मालूम पड़ेगा कि कितने में ये नाच रहा है। अब थोड़ा इसके एप्लीकेशन पे ध्यान दे लेते हैं। ये गैलेक्स का पेरिफेरल्स के लिए एप्लीकेशन है, विच इज एक्सट्रीम ट्यूनर प्लस। यहाँ से आप इस माउस का सब कुछ बदल सकते हैं, नाम पता से लेकर के खानदान तक बिना एफिडेविट करवाए। अब चल के कुछ मेन्यूज को देख लेते हैं। सो पहले तो ओपन करने पे ये फरारी का डैशबोर्ड सा फीलिंग देगा आपको। उसमें आपको पेरिफेरल्स पे क्लिक करना है एंड वहां से आपको चूज करना है स्लाइडर 03। यहां से आपका माउस आपका हुकुम का गुलाम बन जाएगा। सो यू हैव मेनी ऑप्शंस लाइक बटन्स को कॉन्फिगर कर सकते हैं, मैक्रोस बना सकते हैं, परफॉर्मेंस सेट कर सकते हैं लाइक कितना डीपीआई चाहिए फ्रॉम 1200 से लेके 7200 तक। 7200 डीपीआई में सच में कृष्ण भगवान से पहले आप स्वर्ग से पृथ्वी तक पहुंच जाइएगा। नेक्स्ट, बैकलिट में आप एलईडी सेटअप कर सकते हैं, बहुत सारे एलईडी के प्री डिफाइंड इफेक्ट्स दिए गए हैं, इसका मजा ले सकते हैं आप। अलग अलग कलर्स भी चूज कर सकते हैं सॉलिड कलर इफेक्ट के लिए। अब इतना कुछ अगर 1000 रुपीज में मिल जाए तो क्या ही गंगा स्नान करके पाप एंड पुण्य को धोना, बताओ। सो ओवरऑल माउस काफी अच्छा एंड सॉलिड है, सस्ता है, बट सबसे अच्छा है रबर की वजह से ग्रिप भी काफी अच्छा रहता है, एलईडी भी काफी पावरफुल एंड डिसेंट लुकिंग है, क्लिक्स आर वेरी डिसेंट। सो आप इसको अपना पहला गेमिंग माउस की तरह यूज कर सकते हैं, सस्ते में ये आपको सारे नशे करवा के देगा। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस, होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे। इफ यस, देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।